उनकी जो मेंटेलिटी है वो वही है कि जो 12वीं तक होता है कि मतलब बच्चा स्कूल से आएगा फिर उसके बाद काम पे जाएगा, ये है वो है, वही चीज़ ग्रेजुएशन में भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मोटिवेशन नहीं है या बच्चे कुछ नहीं करना चाहते हैं, करना सब चाहते हैं। यूथ कल्चर वो वाला आ रहा है कि जो बिना स्ट्रगल के बिना वेट करे हमें सफलता दिलाए। ये नेता बनाने का काम तो नहीं है, खैर राजनीति विज्ञान विषय का, राजनीति विज्ञान विषय का मेन काम तो ये हो गई है। हेलो व्यूअर्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे राजनीति शास्त्र की, राजनीति विज्ञान की, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर उमराव सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किच्छा उत्तराखंड में, और सर को जो है 15 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल साइंस का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं। जैसे आप बागेश्वर से हैं, आपने दिल्ली में भी आपका जॉब की है, फिर आपने जो डिग्री कॉलेज मानिला में है वहाँ पे ही पढ़ाया, पूरा पहाड़ी पूरा एरिया है। अभी आप जो है किच्छा में, जो कि ये पूरा तराई का पूरा एरिया है, तो पूरे उत्तराखंड में जैसे अभी आप खुद भी कह रहे थे कि विविधता बहुत है, तो इसमें आप कैसे यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ में क्या माहौल में क्या अंतर था, यहाँ पे क्या अंतर है, या स्टूडेंट के बारे में पर्टिकुलर बात करें, क्योंकि आप ही हैं जो उन युवाओं को जो है वो आगे नेता बनाएंगे, तो उस बारे में आप थोड़ा सा क्या विचार? नहीं, ये नेता बनाने का काम तो नहीं है, खैर राजनीति विज्ञान विषय का, राजनीति विज्ञान विषय का मेन काम तो ये होता है कि सैद्धांतिक पहलुओं से बच्चों को जानकारी देना और राजनीति के प्रति लोगों की समझ विकसित करना होता है। देखिए, मैं तो खैर उत्तराखंड में, मैं एक बागेश्वर में कपकोट ब्लॉक है उसके दूरस्थ अंतिम गांव से पढ़ा लिखा हूँ मैं तो खैर, और टिपिकल परिस्थितियाँ देखी हैं वहाँ भी, और मैंने जो पिछले 8-10 सालों से जो उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, उसमें जो मानिला था जो कि सल्ट क्षेत्र में आता अल्मोड़ा में, वो भी एक रिमोट एरिया है, वहाँ पे जब हम अध्यापन कार्य कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ देखा कि बच्चों का जो एजुकेशन के प्रति जो समर्पण है वो बहुत कम है, साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं उनका भी लगभग एजुकेशन के प्रति जो जागरूकता है वो बहुत कम है। मैं कई बार बच्चों से जब क्लासों में अटेंडेंस कम होती थी या क्लासों में कॉलेजों में बच्चे कम आते थे और शिक्षा के प्रति, तो मैं देखता था, खैर मैं भी उसी परिस्थिति से गुजरा, पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे जो बच्चों का है या पेरेंट्स का है, कुछ पेरेंट्स हैं जो बहुत जागरूक हैं और मतलब 10 में से 3 जागरूक हैं, तो 7 जो हैं शिक्षा के प्रति उतने या बच्चों के प्रति उतने जागरूक नहीं। उनकी जो मेंटेलिटी है वो वही है कि जो 12वीं तक होता है कि मतलब बच्चा स्कूल से आएगा फिर उसके बाद काम पे जाएगा, ये है वो है, वही चीज़ ग्रेजुएशन में भी है, अच्छा उच्च शिक्षा में भी वही है, यानी घरेलू कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व रखा जाता है बच्चे को, जैसे वो कहते हैं जैसे असो जाता है बिल्कुल, तो बच्चे बिल्कुल कॉलेजों से गायब हो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है कॉलेजों में, सब गृहस्थी के कामों में लग जाते हैं। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं खुद एक बार बच्चे शाम को 6 बजे करीब पेपर छूटा था, कुछ लड़कियाँ थी वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर रहती थी वो, तो उनको 5-6 बजे बाद कोई साधन ही ना मिले जाने के लिए, तो कह रहे थे सर हम एक पीछे से टैक्सी वाला आ रहा है उसका वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन कर देना। मैं 6:30-7 बजे करीब एक बच्ची का फ़ोन आया, फिर कहती है सर कि हम वेट कर रहे थे कोई गाड़ी नहीं आई, अंधेरा हो रहा है वगैरह कह रहे थे, तो फिर मैंने कहा रुके रहो मैं आता हूँ करके, तो फिर मैंने क्या किया उन 4-5 बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाया, अच्छा ऊपर 8-10 किलोमीटर दूर से एक मेन चौराहा जैसे जहाँ से देखते गाड़ियाँ मिलती हैं वहाँ छोड़ाया उनको, तो ये तो स्थिति है वहाँ पर। दूसरा ट्रांसपोर्ट में क्या है कि जैसे वहाँ पर चलो बच्चों के लिए कोई पास सुविधा हो तो चलो डेली बच्चे आएँ तो उनके आने जाने की सुविधा देती है। एक बच्ची और कह रही थी कि सर हम सुबह 4:30 बजे कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं, अच्छा जबकि कॉलेज का टाइम है 10 बजे 4:30 बजे निकल पाते कहते तो 1.5-2 घंटे ऊपर रोड में आने में लगता है कहते थे, फिर वहाँ से हम एक अगर बस छूट गई तो फिर अगली बस का उसके 1/2 घंटे वेट करो। तो ये जो असुविधाएँ हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की, उसकी वजह से भी क्या है वहाँ बच्चों का जो है कॉलेजों में अटेंडेंस वगैरह ये कम हो पाती है, तो इसलिए पहाड़ों में जो दुर्गम
परिस्थितियाँ, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और जो सामाजिक परिवेश है पहाड़ का, उसकी वजह से क्या है, शिक्षा का जो स्तर है वहाँ पे वो थोड़ा गिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मोटिवेशन नहीं है या बच्चे कुछ नहीं करना चाहते हैं, करना सब चाहते हैं, बट मूलभूत सुविधाएं नहीं है, फिर उस तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है वहाँ बच्चों के लिए। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे इस तरह का एक जो करियर के प्रति जो कल्चर्स होता है, पढ़ाई के प्रति जो कल्चर्स होता है, वो डेवलप नहीं हो पाया है, जिस वजह से ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। लेकिन आशा करते हैं कि जैसे धीरे धीरे सुधार हो रहा है, आने वाले समय जैसे सरकार ने एक अच्छी पहल कर रखी है कि मतलब नज़दीकी कॉलेजें खोलने की सुविधाएं कर रखी हैं, जिससे कि ये सारी दिक्कतें कम हों, और इसमें काफ़ी हद तक सरकार अपने लक्ष्य की ओर सफल भी हो रही है। दूसरा जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में भी मेरे को 3-4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। मैंने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पर भी क्या है, जो पढ़ाई है, जो खास तौर पर जो नया कल्चर आ रहा है, यूथ कल्चर वो वाला आ रहा है कि जो बिना स्ट्रगल के, बिना वेट करे हमें सफलता दिलाए। अच्छा, वो नहीं है कि मतलब मैं थोड़ा मेहनत करूं या थोड़ा वेट करूं, वो चीज़ें नहीं है, नहीं है। और दूसरा क्या है, पेरेंट्स भी ये चाह रहा है कि 12th पास कर लिया है बच्चे ने तो कमाने पर लग जाए। इस वजह से क्या है कि जो मैदानी क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि अधिक जिस बच्चे से पूछो, मैं वहाँ जॉब करता हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, कहते हैं यानी वो एजुकेशन के साथ साथ दूसरे कामों में भी लगे हुए। अब इससे क्या हो रहा है कि वो जो पढ़ाई के प्रति जो इंटेंशंस है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। और जो थोड़े अवेयर्स हैं वो महानगरों में या बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े कॉलेजों में भेज देते हैं उसके बाद बच्चों को, और जो गरीब हैं या जो मध्यम वर्ग से नीचे वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि नज़दीक में ही कॉलेज है तो बच्चा वहीं पढ़ ले, और फिर उसके बाद वहाँ पे पढ़ते हैं तो वो जो अदर्स बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाता वहाँ पर। तो प्रॉब्लम दोनों जगह जो फेस हो रहे हैं वो यही होते हैं कि स्टूडेंट की जो कमी है कॉलेजों में, जो स्टूडेंट्स अटेंडेंस कम होती जा रही है स्कूलों में, कॉलेजों में, वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो भौतिकवादी सोच है परिवार की या व्यक्ति की, बच्चे की, वो कहीं ना कहीं पर हावी होती जा रही है। कि मतलब पहले हम लोग कहते थे कि पहले पढ़ लो कहते थे, हमारे घर परिवारों में पहले ये कहते थे कि पढ़ लो पहले, वो तो बाद की बात है। आजकल क्या हो रहा है कि दिमाग में या लोगों की सोसाइटी के बीच में एक संदेह जा रहा है कि पढ़ते पढ़ते भी पढ़ाई करो, साथ साथ हो सकता है। हाँ, यानी बच्चे को ये कहा जा रहा है कि आप दो नाव पे पैर लेके चलिए, एक नाव सही चल गया तो उसी में ठीक, इधर वाला चल गया तो इधर ठीक। इससे क्या हो रहा है कि ना वो इधर का रह रहा है ना उधर का रह रहा है। और पढ़ाई की वैल्यू कब समझ में आती है बच्चे को, जब एक उम्र गुजर जाती है, वो 15,000-20,000 में या 10,000 में नौकरी करने लग जाता है, फिर उसके बाद जब उसके पास जिम्मेदारियाँ आती हैं, उम्र हो जाती है, तब उसको एहसास होता है कि मैंने पढ़ लिया होता तो मैं आज इससे इस जगह पे होता या अच्छा काम कर रहा होता, तो एक गिल्टी फीलिंग बाद में होती है। तो यानी जो समय और परिस्थितियों का जो मिलाप है बच्चों के साथ वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए दुविधा। वैसे जो है उच्च शिक्षा में आप कार्यरत हैं तो आप स्टूडेंट से जो है आप मिलते रहते होंगे, और जैसे अभी हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम जो छात्र राजनीति है इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये कॉलेज में बहुत बार विवाद में, मतलब ये बहस का एक मुद्दा बनता है, क्या कॉलेज में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, जो छात्र संघ होता है, कोई भी हमारे भारतीय समाज में कई समुदाय हैं, उनमें छात्रों का भी एक अपना समुदाय है, जैसे टीचर्स का भी होता है, लेबर्स का भी होता है, व्यापारियों का भी होता है। तो हर किसी को अपने हक के लिए या अपने हितों के लिए आगे बात पहुंचाने के लिए, रखने के लिए हमें कोई ना कोई एक संगठन चाहिए ही होता है। तो इसमें छात्र संघ भी उसी समुदाय का एक अंग है, और उनका जो संगठन है वो जो छात्र हितों की बात करते हैं या छात्रों के कल्याण की बात करते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये राजनीति के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी और सामुदायिक विकास के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन जब छात्र राजनीति
राजनीति से प्रेरित हो जाती है, राजनीतिक दलों के प्रभाव में आने लग जाती है। उस कंडीशन में छात्र राजनीति राजनीति ना होकर एक सत्ता प्राप्ति का एक औजार बन जाती है, क्योंकि कॉलेजों में अधिकतर वही छात्र होते हैं जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्राप्त कर चुके होते हैं, उसको पार कर चुके होते हैं, और उनको प्रभावित करने के लिए या अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल जो है कोशिश करते हैं कि छात्र संगठनों के माध्यम से हम उस वोट बैंक को मजबूत करें। लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ, क्योंकि खुद भी मैं कई सालों से छात्र संघ चुनाव को देख रहा हूँ या कई परिस्थितियाँ देखी हैं मैंने, राजनीति जो छात्र राजनीति है वो बड़े कॉलेजों के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे कॉलेजों के लिए मुझे लगता है कि उचित नहीं है। छोटे मतलब जहाँ पे छात्र संख्या कम है। हाँ, संख्या के आधार पर कह रहा हूँ मैं, संख्या के आधार पर भी और फैकल्टी के आधार पर भी, क्योंकि जहाँ पे सिंगल फैकल्टी कॉलेज हैं, सिंगल फैकल्टी मीन्स कि जहाँ पे केवल आर्ट कॉलेज हैं या केवल साइंस कॉलेज हैं या कॉमर्स कॉलेज हैं, वहाँ पे छात्र संख्या बहुत सीमित होती है। तो उससे क्या होता है कि जो पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो व्यवधित होती है, उसमें व्यवधान आते रहता है। तो सरकार को मेरा एक सुझाव है कि, या छात्र संगठनों को भी मेरा एक सुझाव है कि छात्र संघ चुनाव वहीं संपन्न कराए जाएं जहां पे कम से कम नहीं तो 1000 तक के स्टूडेंट्स हों, जिससे कि एक जितना बड़ा जन समुदाय होगा उतनी ज़्यादा समस्याएं भी सामने नज़र आएंगी। तो उसके लिए क्या है कि छात्र संगठन का जो चुनाव अनिवार्य रूप से कराने की जो बात हो तो वो या तो उन्हीं कॉलेजों में हो जहाँ पे 1000 से अधिक संख्या है या मल्टी फैकल्टी है जहाँ पे, लेकिन जहाँ पे कुछ कॉलेज ऐसे हैं उत्तराखंड में जहाँ पे 200-250 स्टूडेंट्स हैं, कहीं पे 300 हैं, कहीं 400 हैं। अब प्रक्रिया तो पूरी इनको भी फॉलो करनी पड़ती है, जो बड़े कॉलेजों को करनी पड़ती है वही छोटे कॉलेजों को भी करनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि जो एक रूटीन बना होता है पढ़ाई का, चाहे बच्चों का पढ़ने का हो चाहे टीचर्स का पढ़ाने का हो, उसमें थोड़ी देर के लिए ठहराव आ जाता है। और दूसरा क्या है कि कई बार जो छात्र संगठन में नेता, या नेता तो नहीं कहूँगा, जो उनके जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो अनावश्यक रूप से शासन प्रशासन के कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि मैं तो मानता हूँ कि छात्र राजनीति अच्छी है और लोकतंत्र के विकास की पहली सीढ़ी होती है ये छात्र राजनीति। जैसे सामाजिक स्तर पर देखें तो ग्राम पंचायत नगर पालिका ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती हैं, ऐसी छात्र राजनीति जो है लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, और इसी से अनुभव मिलता है और इसी से हमें शिक्षा भी मिलती है, तो जो आगे जाके एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। तो इसलिए आप छोटे कॉलेज में हैं वहाँ पर छात्र कम हैं तो आपको जो अनुभव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जो आप उनसे शिक्षा लेना चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, तो इससे दिक्कतें आती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के जितने शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय कॉलेजेस हैं वहाँ पे छात्र संगठन के चुनाव नहीं होते। वहाँ पे आई थिंक जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी वहाँ पे, उनके बाद से वहाँ पे छात्र संघ के चुनाव को ख़त्म कर दिया गया। और मेरी कई वहाँ के टीचरों से भी बात होती है कि वो कहते हैं कि अच्छा है कि मतलब छात्र राजनीति चुनाव नहीं होते हैं। अब हो सकता है कि वो टीचर के परिप्रेक्ष्य में बात करते हों, छात्र परिप्रेक्ष्य में जैसे मेरे कुछ ABP या NHUI इनसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वहाँ के जो बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है छात्र संघ, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी हो। तो इसलिए जो मैं दोनों पक्ष देखता हूँ, छात्र के हित के आधार पर भी और एक टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स के हिसाब से भी, तो मुझे लगता है कि बड़े कॉलेजों तक ही सीमित रखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। चलिए, बहुत अच्छा है यहाँ पे सर आपने बताया। और जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप नेट में भी जो है गाइडेंस आप देते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिकल साइंस में जो है आपसे गाइडेंस लेना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? वह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, यूट्यूब चैनल भी है, और
कई चीज़ें हैं, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ मैं, ओके ठीक है, लिंक इंडे हो चाहे जो भी है, बुक्स भी अमेज़न और उस पे अवेलेबल हैं, सारी चीज़ों पे अवेलेबल हैं, तो उस पे कहीं से भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप सर से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो सर के जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सर से जो है वो आप गाइडेंस ले सकते हैं। सर की बुक्स जो हैं वो अमेज़न और आपका फ्लिपकार्ट जितने भी आपके ऐसे आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपका अवेलेबल है, वहाँ से भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अच्छा यहाँ पे अपना फीडबैक देते हैं तो हम सर के साथ एक और जो है पॉडकास्ट करना चाहेंगे, वो भी हम इंडिया के रेस्पेक्ट में करेंगे कि इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको लाइक देना होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।